अब इसको हाईलाइट करने लायक भी है, हम लोग धीरे से इसको यूट्यूब चैनलाइज करेंगे। मैं हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ और आज ये कुछ बोलने वाला है। ये कुछ आज हेल्पिंग गेमर बन रहा है को रूम नंबर 1 बीकॉम फर्स्ट ईयर। वैसे हम भी हैं यहाँ पे। चलो यहाँ से। अभी बादल वादल ठीक हो गया है मौसम। कॉलेज कुछ ऐसा दिखाई देता है। और अभी तो हम बाहर निकल चुके हैं क्योंकि पढ़ाई तो अभी हो नहीं रहा है 4-5 दिन से। ये तो यहाँ का अभी चल रहा है फेयरवेल के लिए तैयारी। और बाकी अभी हमारा कोर्स भी पूरा हो चुका है 2-3 सब्जेक्ट का, तो उसी के लिए हमारा नहीं हो रहा है शायद पढ़ाई। अभी उधर वो बोरो लेने जा रहा हूँ, खा भी रहा हूँ उधर। उधर कॉलेज है, इधर कॉलोनी है और ये हिला रहा है पेड़ को। तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, पुरस्कार दिया जा रहा है जो गेम प्ले किए थे, लेकिन मैंने भी एक घपला कर दिया है उसी के लिए शायद मेरे को भी पुरस्कार मिलेगा। तो देखते हैं क्या होता है, अगर मिलता है तो मैं जरूर से वीडियो डालूँगा। सामने काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और ठीक है बाकी। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। महाविद्यालय ने वो एक समय आने पर स्नेह सम्मेलन धूमधाम से मनाते हैं और इसी तरह से कई गतिविधियों को शामिल करते हुए बच्चों को मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से तरोताजा करने के लिए भिड़ जाते हैं। तो हमारे लिए एक सुनहरा अवसर आता है, एक मौका आता है अपने आप को दिखाने के लिए, अपने कला का प्रदर्शन करने के लिए, अपने वाक शक्ति को दिखाने के लिए, सामने रखने के लिए हमको अवसर आता है। तो निश्चित रूप से आप सभी प्रतिभागी, आप सभी विद्यार्थी बहुत धन्यवादी के पात्र हैं, क्योंकि जिस तरह से मैं विजुअलाइज किया था, मेरा विजन था कि इस बार का जो वार्षिक स्नेह सम्मेलन होगा वो थोड़ा सा अलग से होना चाहिए, और वैसे ही हुआ। और हम लोग बहुत उस दिन आनंदित हुए क्योंकि जो प्रोग्राम था बिल्कुल हटकर था और एक से बढ़कर एक था। और ये जो प्रोग्राम्स थे, कार्यक्रम थे, वो बहुत ऊंचे दर्जे का था और जिसको हाईलाइट करने लायक भी है। हम लोग धीरे से उसको यूट्यूब चैनलाइज करेंगे और जो प्रोग्राम आप लोगों का है, या तो फोटोग्राफ की माध्यम से, या तो वीडियो हम लोग स्नैप्स लिए हैं या क्लिप्स लिए हैं, उसको हम लोग संधारण करते हुए वेबसाइट में भी डालेंगे और कई तरह से हम लोग उसको प्रमोट भी करेंगे। तो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं सर्वप्रथम आप लोगों को बधाई देता हूँ। और आप लोगों के पीछे हम लोग हैं, सभी अध्यापक हैं और ऑफिस वाले आप हैं तो हम हैं। मैं ज़्यादा ना करते हुए इतना ही तक आपको प्रोत्साहित करते हुए और आगामी जो अंतिम परीक्षा का होने वाला है उस परीक्षा में आप इसी तरह से सफलता हासिल करें। तो ये सब वितरण हो चुका है पूरा और ये सर्टिफिकेट ये पकड़ा हुआ है, ऐसे देख सकते हो जैसे कि। तो ये सब वितरण पूरा हो चुका है, काफ़ी पसीना हो गया है इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना रहा था।